नमस्ते एवरीवन, ये आठवीं कक्षा का चैप्टर है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। इसका मतलब घन और उसका घनमूल। ये सभी चैप्टर्स मतलब सभी तरह की किताबों में होता है। सभी तरह के किताब कहने का मतलब कि एनसीईआरटी में भी है और आठवीं कक्षा के सभी बुक किसी भी पब्लिकेशन का हो तो ये चैप्टर उसमें आपको मिल ही जाएंगे। तो इस चैप्टर के बेसिक चीज़ को समझते हैं कि इस चैप्टर में आखिर होता क्या है और ये चैप्टर हमारे लिए कैसे लाभदायक है। सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव को ध्यान में देखिए। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें पता क्या क्या चीज़ का लगता है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सबसे पहले हमको पता चलता है कि कैसे हम क्यूब को डिफाइन करेंगे एक नंबर का। अंडरस्टैंड डिफाइन एंड डिटरमाइन क्यूब ऑफ ए नंबर, एक नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं ये पता चलेगा। इसके बाद साइट प्रॉपर्टीज ऑफ ए परफेक्ट क्यूब, एक परफेक्ट क्यूब का जो खासियत है, प्रॉपर्टीज है, वो क्या है, ये चीज़ हमें पता चलता है। फिर डिटरमाइन व्हेदर द गिवन नंबर इज़ परफेक्ट क्यूब और नॉट, कोई संख्या जो दिया हुआ है वह एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, इस चीज़ का पता चलता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ हमें ये पता चला। फिर और क्या पता चलेगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, तो पता चलेगा डिटरमाइन द क्यूब रूट ऑफ ए नंबर यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो ये इसका दो मेथड है, उसमें एक फैक्टराइजेशन मेथड है, उसको भी हम पता करेंगे कि कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकाला जाता है। चलिए आगे, और क्या पता चलेगा इस चैप्टर को पढ़ने से, डिटरमाइन अप्रोक्सीमेट क्यूब रूट ऑफ ए नंबर यूजिंग टेबल। टेबल दिया हुआ है इस चैप्टर में और उस टेबल की सहायता से आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मिल जाएगी। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, मतलब क्यूब है क्या। तो इसमें कहा जा रहा है कि क्यूब क्या है। हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में कि एक क्यूब को, क्यूब का तीनों साइड क्या होता है, सेम होता है। मान लीजिए ये एक क्यूब है, क्यूब शेप है, तो इसका जो तीन साइड है, आपको ये तीनों साइड जो इस क्यूब का तीन साइड है, ये तीनों साइड का जो माप है ये बराबर होता है, ये माप तीनों साइड का बराबर होता है। तो ये ए है, ये बी है, ये भी ए है, यानी कि हाइट इसका जितना है उतना ही इसका लेंथ है और इसका ही उतना ही इसका बिर्थ होगा। तब इस शेप का ये जो त्रिविमीय शेप होता है ये आपका हो गया क्यूब। और इसका वॉल्यूम निकालना है तो हमको इस साइड को उसी से तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए क्यूब इक्वल टू ए इंटू ए इंटू ए, ए क्यूब बराबर होता है ए इंटू ए इंटू ए बराबर है ए क्यूब, तब जाकर के हमें इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, तो जब हम इस चीज़ को अपने पुराने पहले के कक्षा में पढ़ चुके हैं तो अब चीज़ चलिए इसमें आगे क्या पढ़ना है इसको देखिए। अब ये तो वॉल्यूम निकालने का तरीका था, तो इसी से रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है। क्या है, किसी संख्या का अगर क्यूब रूट निकाल क्यूब निकालना हो, किसी संख्या का क्यूब निकालना है तो सबसे पहले देखेंगे, पहले इसको समझिए कि द क्यूब ऑफ टू, अगर दो का क्यूब निकालना है तो दो पर पावर में तीन देंगे, और तीन पावर देने का मतलब है दो गुने दो गुने दो बराबर है दो दूनी चार दूनी आठ, टू टू जै फोर एंड फोर टू जै एट। तो जो क्यूब रूट है यहाँ पे वो दो हुआ और उसका क्यूब हुआ, परफेक्ट क्यूब हो गया एट। ठीक है, इसी तरह से द क्यूब ऑफ थ्री, थ्री का क्यूब निकालना है तो क्यूब रूट हुआ थ्री और उसका परफेक्ट क्यूब हो गया थ्री पर थ्री पावर, और थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इक्वल टू 27। तो इस तरह से ये हुआ 27 हुआ यहाँ क्यूब, परफेक्ट क्यूब, और थ्री जो है जो ये क्यूब रूट हुआ। चलिए आगे बढ़िए, द क्यूब ऑफ फाइव, एक नंबर है फाइव, इसका जब हम क्यूब रूट निकालते हैं तो इसको इसका आता है फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इक्वल टू 125। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लीजिए, 1.1 का क्यूब निकालना है, यानी 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इक्वल टू 1.331। तो ये कब आता है, जब हम किसी संख्या का क्यूब निकालते हैं, जैसे ये तो 1.1 हो गया क्यूब रूट और ये हो गया क्यूब परफेक्ट क्यूब। अब आप समझ गए, किसी भी संख्या का क्यूब निकालने के लिए उसी संख्या को तीन बार सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेम डिजिट का मतलब उसी डिजिट से मल्टीप्लाई तीन बार कर देते हैं। अगर ये फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में है, फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे है ये देखिए, यहाँ पर 4/7 है, एक फ्रैक्शन है।
अब इसका क्यूब अगर निकालना है तो 4/7 को ब्रैकेट से घेरेंगे और उस पर 3 पावर देंगे, यानी कि 4/7 × 4/7 × 4/7 इक्वल टू 64/343। तो फ्रैक्शन हो या कोई नेचुरल नंबर हो या कोई पॉइंट में कोई नंबर हो, किसी भी तरह के नंबर को क्यूब निकालने के लिए उसको उसी संख्या से 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, आपस में ही 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो हमारा होता है क्यूब। ठीक है, अब हम इसे पढ़ते हैं, समझाया गया है सो देखिए, आपको आगे क्या बताया गया है सो देखिए। परफेक्ट क्यूब, कोई भी संख्या का परफेक्ट क्यूब कौन होता है इसके बारे में थोड़ा जानिए कि परफेक्ट क्यूब कौन होता है। वी कैन सी, यहाँ देखिए, वी कैन सी फ्रॉम द एबव, ऊपर जो एग्जांपल हम पढ़े हैं उससे हमें क्या दिखाई दिया या क्या पता चला कि 8 जो आया था, 27 आया था, 125 आया था, आर क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स 2, 3 and 5 रिस्पेक्टिवली। 2 का क्यूब 8 था, 3 का क्यूब 27 था और 5 का क्यूब 125 था। अब वी कॉल सच नंबर्स एज क्यूबिक नंबर्स और परफेक्ट क्यूब्स। तो ऐसा संख्या जो किसी भी नेचुरल नंबर का परफेक्ट क्यूब हो उस संख्या को हम क्यूबिक नंबर्स और क्यूबिक और परफेक्ट क्यूब कहते हैं। तो ये परफेक्ट क्यूब किसे कहते हैं, ये आप समझ गए नेचुरल नंबर का। तो यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उस एग्जांपल्स को देखकर बना सकते हैं इजीली कि कैसे परफेक्ट क्यूब कोई है कि नहीं ये पता करना है। तो चलिए यहाँ पर एग्जांपल को समझते हैं। पहला एग्जांपल में है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स, इसमें से कौन है जो परफेक्ट क्यूब्स हैं। तो इसमें जो पहला है आपके पास वो 8000 है, इसमें 2 से भाग दिया तो 4000 आया, फिर 2000 आया, फिर 2 से भाग दिया तो 1000 आया, फिर 500 आया, इस तरह से ये आते गया। और फिर देखिए यहाँ पर जब टोटल बहुत छोटा संख्या निकल रहा है तब यहाँ पर देखिए इसका ट्रिपलेट बन रहा है, एक ट्रिपलेट बना, दूसरा ट्रिपलेट बना, तीसरा ट्रिपलेट बना, कोई संख्या ऐसा नहीं है जो कि ट्रिपलेट से बाहर है। तब इसका मतलब ये 8000 जो है सो परफेक्ट क्या है, परफेक्ट क्यूब है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं और एग्जांपल्स को आप सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से आप बना लीजिएगा, 400 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं ये पता करना है, 3375 एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं इसको भी पता करना है। इस तरह से फिर हम आगे बढ़ते हैं, चलिए हमारा एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 सॉल्व कर लेंगे। एग्जांपल 2 में क्या कह रहा है, इन 1728 अ परफेक्ट क्यूब, क्या यह 1728 जो है सो परफेक्ट क्यूब है। व्हाट इज दैट नंबर हुज क्यूब इज 1728, वो संख्या कौन है जिसका क्यूब रूट जो 1728 का क्यूब रूट है। तो इसके लिए आप फैक्टराइजेशन मेथड से आप इजीली निकाल सकते हैं, 2 से भाग देकर, इस तरह जैसे निकाला हुआ यहाँ पर आप दिख रहे हैं, तो इजीली आप यहाँ बना सकते हैं कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। चलिए एग्जांपल 3 को देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच से 675 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। एक परफेक्ट क्यूब पता करने के लिए, पाने के लिए कोई नंबर जो है 675 इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि सीधा सीधा बात है कि वो संख्या परफेक्ट क्यूब नहीं है। जब संख्या परफेक्ट क्यूब नहीं है तब क्या करेंगे, तब इसको पहले प्राइम फैक्टर्स इसका निकालेंगे। जैसे 675 में सबसे छोटा संख्या कोई खोजते हैं जिससे भाग लग जाए, अगर 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि इसके वंस प्लेस पर कोई 2, 4, 8 या 0 नहीं है। तो 3 से देखते हैं भाग देकर होता है कि नहीं, तो 3 से भाग देने के लिए डिविजिबिलिटी का नियम है कि 7, 6, 13 और 5, 18, तो 3 से ये भाग लग रहा था, लेकिन चूंकि यहाँ पे 3 से भाग नहीं दिया गया है तो हम 3 से भाग दे सकते थे, 7, 6, 5, 11 और 7, 18 में 3 से भाग लग रहा, इसलिए 675 में लगता है। तो चलिए 5 से ये दिया हुआ है बुक तो हम इसको 5 से ही मान लेते हैं, तो 5 से दिया तो 135 हुआ, फिर 5 से दिया तो 27 हुआ, फिर 3 से दिया, इस तरह से। तो यहाँ पर ट्रिपलेट पूरा हो रहा है, 3, 3, 3 का 1, इसके लिए 3 लिखेंगे, और ये 2, 2 का ट्रिपलेट पूरा नहीं हो रहा है इसके लिए, इसमें अब इसको हमको परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए कम से कम 5 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जिससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वही निकालना था, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 से, तो 5 हमारा आंसर होगा। जो ग्रुपिंग फैक्टर्स इंटू ट्रिपलेट्स ऑफ आइडेंटिकल फैक्टर्स वी गेट्स इतना, तो इसमें
हम देख रहे हैं कि जो ट्रिपलेट है वो प्राइम फैक्टर 3 एंड ऑल्सो 5 ऑकर्स 2 टाइम्स, तो 3 तो निकल रहा है लेकिन 5 से, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से ये एग्जांपल नंबर 4 हो गया कंप्लीट, एग्जांपल 3 हो गया। 4 में देखिए, 4 में कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 704 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन द क्वोशेंट मे बी परफेक्ट स्क्वायर। अब ये इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड, कौन सा संख्या से डिवाइड करें कि वो चीज़ जो है सो परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो सिंपल सा है, कोई संख्या एक ऐसा होगा जो एक्स्ट्रा होगा इसमें, जैसे ये 3 यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जब 704 में भाग दिया गया तो ये ट्रिपलेट बना, ये यहाँ पर ट्रिपलेट बना, लेकिन ट्रिपलेट नहीं बना किसका, देखिए 11 यहाँ पर ट्रिपलेट नहीं बना, 11 का ट्रिपलेट नहीं बना, तो यहाँ पर 11 का ट्रिपलेट बनाने के लिए 2 11 चाहिए हमें, लेकिन यहाँ पर एक ही 11 है, तो ईजिली हम इस 11 को अगर हम हटा दें यानी कि इससे डिवाइड दे दें उस नंबर में 704 में, तो हमारा वो संख्या जो 704 है वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, आंसर 11 होगा जिससे हमें भाग देना चाहिए। चलिए हम अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 5 में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 5 में कह रहा है कि प्रूव दैट इफ ए नंबर इज ट्रिपल्ड, ऐसा कोई नंबर अगर ट्रिपलेट में है, ट्रिपल्ड है, देन द क्यूब इज 27 टाइम्स द क्यूब ऑफ गिवन नंबर। कोई संख्या प्रूव करना है आपको कि कोई संख्या जो ट्रिपल्ड है तो उस इट्स क्यूब इज 27, उसका क्यूब क्या होगा, 27 होगा, 27 गुना होगा द क्यूब ऑफ गिवन नंबर, उस संख्या के क्यूब से 27 टाइम्स गुना होगा। इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये देखिए, लेट द गिवन नंबर बी एक्स, मान लीजिए कि जो संख्या है तो उस संख्या, वो संख्या एक्स है, तब लेट वाई डिनोट द ट्रिपल ऑफ एक्स, वाई जो है सो उसका 3 गुना है, कोई संख्या है जो एक्स है और उसका 3 गुना जो है सो वाई है, तो जब 3 गुना वाई है तो क्या लिखेंगे, अगर हम दोनों तरफ अगर हम ये करते हैं उसका क्यूब अगर करते हैं दोनों साइड, तो y का क्यूब इक्वल टू होगा 3x का क्यूब, तो y का क्यूब क्या होगा, y का क्यूब होगा y into y, और 3x का क्यूब होगा 3x into 3x into 3x। फिर देखिए y into y क्या होता है, और 3x into 3x into 3x क्या होता है, तो 3 × 9 = 27 होता है। ये यहाँ पर तीनों कांस्टेंट टर्म को गुना करके यहाँ पर 27 लिखा, और x into x 3x हुआ, मतलब x क्यूब हो गया, और ये संख्या हुआ y into y x into x y क्यूब मतलब y into y। तो यहाँ पर क्या आता है, 27 इक्वल टू x क्यूब बराबर है 27 क्यूब ऑफ x क्यूब। तो किसी संख्या में जो संख्या हम ले रहे हैं उस संख्या का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो 27 गुना होगा उसी संख्या से, गिवन नंबर से 27 टाइम्स होगा। हो गया ये प्रूफ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जांपल 6 की ओर। एग्जांपल 6 में क्या कह रहा है, क्योंकि ये क्लियर नहीं है फिर भी इसको हम देखते हैं एक बार। इवेलुएट, आपको इसका मान निकालना है, इवेलुएट करना है। पहला में इवेलुएट क्या करना है, पहला में कह रहा है कि ये मिडिल ब्रैकेट से घिरा हुआ है, रूट अंडर 3 square प्लस 4 का स्क्वायर, इस दोनों को जोड़ना है, और फिर ऊपर में क्यूब दिया हुआ है। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले 3 का स्क्वायर है, अंदर ब्रैकेट वाला काम करते हैं, 3 का स्क्वायर हुआ ये 9 हुआ, 4 का स्क्वायर हुआ 16 हुआ, अब दोनों को जोड़ना है, तो 16 और 9 = 25 होता है, 25 का ऊपर क्यूब देना है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को 5 × 5 लिख सकते हैं, उसका क्यूब देंगे, यानी कि 5 का स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, और ऊपर में क्या है, ऊपर में चलिए आगे हम पढ़ते हैं क्यूब ऑफ ए रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं, एक रेशनल नंबर का क्यूब निकालने के लिए हम उस संख्या को जिसका जो रेशनल नंबर है उसका क्यूब निकालने के लिए, संख्या मान लीजिए 4a/b है, तो a/b को 3 बार उसी संख्या से गुणा करेंगे, जैसे a/b into a/b into a/b
अब इस ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, और फिर ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू आ जाएगा, यहाँ पर ए क्यू आ गया। फिर इस बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर, और बी को फिर उस बी स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यू आ जाएगा। यानी कि किसी भी फ्रैक्शन का जब हम वो निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं, तो फ्रैक्शन का मान लीजिए फ्रैक्शन ए बाई बी दिया हुआ है, इसका क्यूब निकालना है तो होगा ए बाई बी इंटू ए बाई बी इंटू ए बाई बी, और इसको तीनों को मल्टीप्लाई करने से ए क्यूब बटा बी क्यूब, तो ये आपका आंसर हुआ। चलिए दूसरा जो हमारा ये है वो देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्यूब ऑफ नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब ऑफ ए नंबर, यानी कि एक नंबर का जो क्यूब होता है उसका क्या प्रॉपर्टीज है। क्यूब ऑफ एन क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, एक इवन संख्या, जैसे कोई इवन संख्या है उसका जो क्यूब निकालते हैं तो वो हमेशा एक इवन होता है। जैसे मान लीजिए एक इवन नंबर 2 लीजिए, अब 2 का क्यूब निकालना है तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा यानी 8 होगा, ये 8 भी एक इवन ही है, तो इवन नंबर यानी एक इवन का जो क्यूब होगा वो हमेशा इवन ही होगा, ठीक है। तो ये एक पहला प्रॉपर्टीज हुआ, आपको ले चलते हैं हम दूसरे प्रॉपर्टीज की ओर। देखिए यहाँ पर ये अच्छे से दिख रहा है, दूसरा प्रॉपर्टीज क्या कहता है, दूसरा प्रॉपर्टीज कहता है कि क्यूब एफ ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड, कोई संख्या एक ऑड लीजिए, जैसे 3 लेते हैं, इसका क्यूब निकालना है तो कैसे लिखेंगे, 3 × 3 × 3 बराबर है 27, जो एक ऑड ही है, ऑड नंबर है। तो ये भी नंबर ऑड था, ये 3 भी ऑड था, और यहाँ पे आपको ये जो 27 आ रहा है ये भी ऑड है। ऑड नंबर किसे कहते हैं, वह नंबर जो कि जिसमें 2 से भाग नहीं लगे वो संख्या ऑड कहलाता है, और जिसमें 2 से भाग लग जाए टोटल पूरा उसे हम इवन नंबर कहते हैं। तो इस तरह से ऑड इवन, तो जो क्यूब का प्रॉपर्टीज हुआ वो पहला प्रॉपर्टीज था कि इवन का क्यूब निकालने से जो आंसर आता है वो भी इवन ही होता है, एक इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन होता है, एक ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड ही होता है। तीसरा आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको तीसरा प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, पहले इसको हटा देते हैं। चलिए तीसरा प्रॉपर्टीज में क्या कह रहा है, तीसरा प्रॉपर्टीज में कह रहा है कि क्यूब ऑफ ए नंबर एंडिंग 1, 4, 5, 6 और 9, 1, 4, 5, 6 और 9, इससे समाप्त होने वाला कोई भी नंबर, उसका अगर क्यूब निकाल रहे हैं तो वो नंबर क्या होता है, सेम डिजिट रहता है, एंडिंग विद द सेम डिजिट, यानी एक से जब हम संख्या कोई एंड हो रहा है उसका क्यूब निकालते हैं तो जो हमको आंसर आएगा यानी जो परफेक्ट क्यूब आएगा वो भी एक से ही एंड होगा। जैसे देखिए यहाँ 11 में एक से एंडिंग वाला है तो यहाँ पर भी एक से एंडिंग हो रहा है, यहाँ पर 5 है, 5 का क्यूब निकालना था तो इसके लास्ट में भी 5 से एंडिंग हो रहा है। यहाँ देखिए 6 के का क्यूब निकालना था तो इसमें जो परफेक्ट क्यूब निकल रहा है उसमें भी 6, 216 में 6 लास्ट में आ रहा है। 9 का क्यूब निकालना है तो इसके लास्ट में भी 9 आ रहा है, जो कि एक परफेक्ट क्यूब के लास्ट में भी 9 आ रहा है। यानी कि अगर आपके पास कोई संख्या है, इस तरह का संख्या है और उसका क्यूब निकालना है, कौन कौन संख्या है, तो अगर आपके पास एक संख्या 1 है, कोई संख्या 4 है, कोई संख्या 5 है, कोई संख्या 6 है, कोई संख्या 9 है, यानी कि 1, 4, 5, ये आपका प्रॉपर्टी नंबर प्रॉपर्टी ई था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल देखिए 8 नंबर में कह रहा है, इसका एग्जांपल 8 में क्या कह रहा है, 2/3 का आपको बनाना है, परफेक्ट क्यूब बनाना है तो इसका क्यूब निकालना है, तो 2/7 का निकालना था तो 2/7 × 2/7, तो ये आप बना लीजिएगा यहाँ पर देखकर। फिर -4/5 का क्यूब निकालना है तो -4/5 में ऊपर वाले में भी क्यूब होगा, नीचे वाले में भी होगा, तो -4 को 3 बार गुणा करेंगे, फिर 5 को 3 बार गुणा करेंगे, जो आएगा आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ें, एग्जांपल 9 में देखिए, फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब इस नंबर्स का जो डिजिट है उसमें वंस आना चाहिए, वंस वाला डिजिट आना चाहिए। जैसे एक का क्यूब निकालना है तो हमेशा, हम अभी प्रॉपर्टीज में पढ़े थे कि एक का हमेशा एक से ही एंडिंग होता है,
तो एक का क्यूब का वंस वाला प्लेस हमेशा वन एक से ही एंडिंग होगा। अब यहाँ देखिए एक का क्यूब जोड़ दो का क्यूब क्या होता है, तो एक का क्यूब एक होता है और दो का क्यूब क्यूब आठ होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो नौ होगा, यानी दो एक तीन है, यहाँ नौ है। अब यहाँ देखिए एक का क्यूब जोड़ दो का क्यूब जोड़ तीन का क्यूब बराबर होता है एक का क्यूब एक जोड़ दो का क्यूब आठ जोड़ तीन का क्यूब सत्ताईस बराबर 36, ठीक है 36। इसके बाद देखिए एक का क्यूब जो दो का क्यूब जो तीन का क्यूब जो चार का क्यूब बराबर होता है कितना, तो एक जोड़ आठ जोड़ सत्ताईस जोड़ 64 बराबर है 100। यहाँ पर कह रहा है कि सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज, किसी भी जो भी संख्या नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर होता है वन से शुरू होता है टू होता है फिर थ्री होता है फोर होता है, तो कह रहा है कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का जो क्यूब होगा वो हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर का जो क्यूब होगा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, मतलब फर्स्ट एक नेचुरल नंबर हो, फर्स्ट दो नेचुरल नंबर का क्यूब हो, फर्स्ट तीन नेचुरल नंबर का क्यूब हो, ये हमेशा क्या होता है इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सम, उसके सम के स्क्वायर के बराबर होता है। उसके सम के स्क्वायर के बराबर कैसे होगा ये देख लीजिए, ये बहुत आसान है, एक का क्यूब जो दो का क्यूब जो तीन का क्यूब जो चार का क्यूब, इस तरह से एन का क्यूब मतलब एन संख्याओं का क्यूब क्या होगा, उसके नंबर्स के जोड़ का स्क्वायर होगा, उसके नंबर्स के जोड़ का स्क्वायर होगा। जैसे एक का क्यूब निकालना था तो एक जोड़ेंगे, फिर दो का क्यूब निकालना था तो दो जोड़ेंगे, फिर तीन का क्यूब तो तीन जोड़ेंगे, चार जोड़ेंगे, इस तरह से एन संख्या है उसका क्यूब निकालना है तो एन जोड़ेंगे और इसके बाद उसका स्क्वायर निकाल लेंगे, वो आपको आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहले एन नेचुरल नंबर का जो क्यूब है उसका सम, सम ऑफ द क्यूब ऑफ द एन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सम, उसके जोड़ के स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए अब एक्सरसाइज 5A बनाएंगे, 5A हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे, चलिए यहीं रहने देते हैं आज, और फिर अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे 5A का सोल्यूशन क्या होगा और 5A के सोल्यूशन के साथ साथ हम क्यूब रूट भी पढ़ेंगे आगे कि कैसे बनाया जा सकता है, बनाया जाता है क्यूब रूट ऑफ ए नेगेटिव परफेक्ट क्यूब कैसे बनता है, इन सभी चीज़ों का हम विश्लेषण करेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि इनकरेज होकर हम आपके लिए और अच्छे अच्छे मैथमेटिक्स के वीडियो बना सकें। धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।